जनपद के बिजनौर के क्षेत्र चांदपुर में प्रॉपर्टी की विवाद में गोली चलने से दो घायल हो गए व एक की हालत गंभीर है। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। इस गोलीकांड में बाजार जा रहा युवक के भी चोट लगी है। आपको बता दें कि पूरा मामला चांदपुर नगर इलाके का है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद के चलते मोहल्ला मुफ्ती सराय निवासी इमरान ने मोहल्ला चिमन निवासी प्रॉपर्टी डीलर सलाउद्दीन को दिन दहाड़े गोली लगने से सलाउद्दीन को घायल अवस्था में कराया गया CHC सियाऊ में भर्ती। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने किया जिला अस्पताल के लिए रेफर। वहीं मार्केट जा रहे युवक अनीश फराज के पैर में चोट लगी। घायल अनीश फराज को कराया गया CHC सियाऊ में भर्ती, जहां पर घायल अनीश फराज का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। CO सर्वम सिंह ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। एक व्यक्ति घायल जो बाजार जा रहा था, वह मामूल रूप से घायल है। वहीं एक की हालत गंभीर है, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरिश फराज। भाई साहब, ये जो घटना घटी आपके साथ, जो पैर में कैजुअल्टी हुई है, किस कारण हुई, क्या था मामला? झगड़ा हो रहा था किसी के बीच में। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मार्केट जा रहा था, सैटरडे मार्केट जी। तो दूर से आके मेरी लगी। क्या लगा आपके पैर में? गोली आके लगी। गोली मारने चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले इमरान का नाम बताया जा रहा। इमरान कहाँ का रहने वाला? थैंक यू। बस इस बात का नहीं तो बताओ, मुझे एकदम निकाल कर खाए थे, मेरे ये मार दिए। दोबारा का तो मंजा मारने वाला कौन था? वकील। वकील सॉरी, इमरान चेयरमैन पुराना वाला जो भी लक्षण था। हाँ हाँ हाँ। चांदपुर से बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।